देखिए प्रोडक्शन मॉडल में सबसे पहले जो आता है वो होता है आपका बिल ऑफ मटेरियल। अब बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है कि कोई भी अगर हमें पार्टिकुलर आइटम बनानी है, कोई एफजी आइटम है उसको बनानी है, तो उसको बनाने के लिए हमें कुछ आरएम मटेरियल रिक्वायर्ड होगा या फिर कुछ एसएफजी रिक्वायर्ड होगा, सेमी फिनिश्ड रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो उसका कॉम्बिनेशन बनता है, मैं आपको थोड़ा सा पीपीटी पे समझाता हूँ। देखिए बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं फिर हमारा प्रोडक्शन शुरू होगा। किसी भी एक फिनिश गुड को बनाने के लिए नंबर्स ऑफ आपका आरएम रिक्वायर होगा, नंबर्स ऑफ आपका एसएफजी रिक्वायर्ड हो सकता है, तो उसका कॉम्बिनेशन जो कहलाता है वही हमारा क्या कहलाता है, बॉम कहलाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। हो सकता है आप लोग जानते होंगे, देखिए सपोज दैट हमारे पास कोई एफजी आइटम है, मान लिया कि कोई मोबाइल बनानी है या कोई पेन बनानी है, ठीक है। तो पेन क्या हो गया हमारा, एफजी आइटम हो गया। अब इसको बनाने के लिए हमें राम दिया गया, तो सपोज दैट हमने आइटम बनानी है, तो इस एफजी को बनाने के लिए ये मान लिया कि ये कोई एफजी आइटम है, ठीक है, इसको बनानी है। अब इस एफजी को बनाने के लिए नंबर्स ऑफ आरएम और एसएफजी रिक्वायर्ड होगा। ये एफजी है, इस एफजी को बनाने के लिए हमें कुछ आरएम चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एक आरएम चाहिए, कुछ एसएफजी भी चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे आरएम वन डाल देते हैं, आरएम वन, ठीक है। अब आरएम टू, आरएम थ्री एंड सो ऑन, नंबर्स ऑफ आरएम रिक्वायर्ड हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे समझिए कि मैं एक मोबाइल बनाने जा रहा हूँ, तो एक मोबाइल बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, ये मान लीजिए कि आरएम टू है, ये सपोज दैट कि हमारा कोई एसएफजी है, और इस एसएफजी को बनाने के लिए हमें फिर नंबर्स ऑफ आरएम रिक्वायर्ड है। ये देखें तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये बॉम कहलाएगा। जरा सा एग्जांपल समझिए, ये जो है मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन बनेगा, ये एफजी आइटम बनेगा। एफजी आइटम कहने का मतलब कि मैं एक मोबाइल बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है हमारा एफजी आइटम है, ये मोबाइल है, एक मैं मोबाइल बना रहा हूँ। तो
तो एक मोबाइल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक मोबाइल को बनाने के लिए हमें अल्टीमेटली क्या क्या चाहिए? अब एक मोबाइल को बनाने के लिए हमें उसका स्क्रीन चाहिए, उसका बॉडी चाहिए, ठीक है। उसके बाद SFG क्या है, एक मदरबोर्ड चाहिए इसका, ठीक है। इस मदरबोर्ड में क्या चाहिए, उसके IC चाहिए, ठीक है। उस IC में फिर क्या चाहिए, उसके और मदरबोर्ड में क्या चाहिए, कुछ कंडेंसर वगैरह या जो भी लगेंगे वो। तो इस तरह से आप देखें तो जो FG हम बना रहे हैं, एक FG को बनाने के लिए नंबर्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर है और SFG है। और जब तक ये SFG नहीं बनेगा तब तक ये प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो R&D टीम डिफाइंड करती है कि एक FG मोबाइल को बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल और SFG रिक्वायर्ड है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, BOM कहते हैं। BOM शॉर्ट फॉर्म है, इसको क्या कहते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल हमें बनानी है उसको बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड, जैसे कि सपोज दैट एक पेन बना रहे हैं, तो एक पेन को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक रिफिल चाहिए होगा, एक उसका कैप चाहिए होगा, ठीक है। उसके जो और उसके बाद उसके जो बॉडी बैक साइड में जो आप टाइट करते हैं वो छोटा सा जो कैप होता है वो चाहिए होगा। तो इस तरह से नंबर्स ऑफ कंपोनेंट हमें एक पेन को बनाने के लिए चाहिए, तो उसको क्या करते हैं हम लोग डिफाइंड करते हैं, जहां उसी को क्या करते हैं हम लोग बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिया है कि ये FG मोबाइल है, इसको बनाने के लिए एक RM1 रिक्वायर्ड है। RM1 क्या हो सकता है, ये उसका बॉडी हो सकता है, ठीक है। RM2 क्या हो सकता है, उसका स्क्रीन हो सकता है। और ये SFG क्या हो सकता है, मदरबोर्ड हो जाता है। मदरबोर्ड क्या है, इटसेल्फ क्या है, फिनिश गुड है बट सेमी फिनिश्ड है। ये डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट सेल में नहीं जाता है, ये क्या हो रहा है, सेमी फिनिश। इसलिए बोल दिया क्योंकि ये भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल के मिलने के बाद ये बनता है। और ये कहाँ पे कंज्यूम हो जाता है, इस पर्टिकुलर FG को बनाने में कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। बताइए क्लियर है, आशीष जी? क्लियर है जी? ये तो इसी को हम लोग सैप में बनाएंगे कि एक आइटम को बनाने में जो बिल ऑफ मटेरियल तो क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होगा, उसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। सैप क्या कहता है कि प्रोडक्शन चलाने से पहले आप क्या करो, पहले बिल ऑफ मटेरियल बनाओ कि एक FG को बनाने में क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है, जो मैंने यहाँ पे आपको PPT में बताया है उसी के पहले आप इसको डिफाइंड करो। तो वही चीजें हम बिल ऑफ मटेरियल में डिफाइंड करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन में आएंगे, सबसे पहला जो सेक्शन है वो क्या है, बिल ऑफ मटेरियल। अब बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए सबसे पहले क्या हम डिफाइन करेंगे, या तो FG आइटम होगा या SFG होगा, ठीक है। तो कंट्रोल ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब कितने तरह के बिल ऑफ मटेरियल है तो वो देखिए, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो एक होता है असेंबली, एक होता है सेल्स बॉम, एक होता है प्रोडक्शन, एंड लास्ट वन क्या है, टेम्पलेट। असेंबली में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उसका आपने बॉम बना दिया, ठीक है। जैसे ऑटोमोबाइल्स में चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उसको जोड़ के बस एक सवाल एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो उसका असेंबली बॉम चलेगा। सेल्स बॉम जो उस दिन आपने देख रहा था, कल्पेश जी ने किया था कि एक FG को बनाने में 2 RM रिक्वायर्ड है, जब आप उसको सेल करेंगे तो वो क्या होगा, जो FG आइटम होगा नॉन इन्वेंट्री आइटम होगा, और उसके साथ क्या होगा, RM भी जाएगा, वो मटेरियल वहां पे दिखाएगा आपको सेल्स बम में, तो वो सेल्स बम था। प्रोडक्शन बम जो जनरली हम लोग चलाते हैं, जो प्रोडक्शन बम चलता है कि अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया वो आपका क्या था, प्रोडक्शन, मतलब एक FG को बनाने में कितने RM रिक्वायर्ड है, कितने SFG रिक्वायर्ड है, उसको हम डिफाइन कर देंगे। और टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट के केस में आप कोई भी चीज, जैसे टेस्टिंग वगैरह करना है आपको, कि एक आपने R&D में आप कोई बम बनाया, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ हटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मैं टेम्पलेट हम लोग क्या करते हैं, जैसे DTW वगैरह चलाने के लिए टेम्पलेट यूज करते हैं ना, तो ये टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो R&D वाला होगा वो बम बनाएगा, उसको टेस्टिंग करेगा, ठीक है। एक ही बनाया उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए इसको टेम्पलेट नाम दिया। मेनली क्या चलता है आपका, मेनली जो चलता है आपका प्रोडक्शन बम चलता है, असेंबली और सेल्स चलता है। ये टेम्पलेट किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। बनाएंगे कैसे तो उसको देखिए, हम यहाँ पे आएंगे, अगर हमें FG का बॉम बनाना है या SFG का, सबका उसी तरह बनेगा, जैसे FG का बनेगा वैसे ही SFG का भी बनेगा। तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे जैसे ही टैब बटन दबाएंगे तो जितने भी आपके आइटम्स होंगे इसमें अवेलेबल, वो सारे आइटम आपको ओपन होके आ जाएंगे।
अब इसमें आपको क्या करना है, आपको उठाने एफजी या एसएफजी आइटम उठाने हैं। सबको तब पहले मैं ले लेता हूँ, कोई एसएफजी का बम बनाया जाता हूँ, ये देखिए ये सारे एफजी और एसएफजी है। तो मैंने ये जूम किया कि ये जो हमारा एसएफजी है पहले मैं इसका बम बनाता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अब सेलेक्ट जैसे ही करेंगे तो ये क्या बोल रहा है, कितने क्वांटिटी का ये बम बनेगा, ऑब्वियसली बात है एक क्वांटिटी का बनेगा। जो बम बनता है क्या होगा कि एक पेन को बनाने में, एक मोबाइल को बनाने में कितनी रॉ मटेरियल, कितनी एसएफजी रिक्वायर्ड है उसको। अगर आप मोबाइल बनाने हैं तो मदरबोर्ड को बनाने में कितनी, एक मदरबोर्ड के बनाने में कितनी कितनी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो उसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएंगे हम देखेंगे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आके मैं इसको फिट विथ कॉलम कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आया, टैब बटन दबाया, तो जितने भी रॉ मटेरियल इसमें अवेलेबल है वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा कि इस एसएफजी को बनाने में हमें दिस वन ये तीन तरह के मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको नहीं लेता क्योंकि इसका स्टॉक नहीं है, मैं ऊपर बढ़ा लेता ताकि चलाने में सही रहेगा। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया कि तीन मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब इसका देखेंगे, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए नंबर्स में है। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट आइटम जो है दो पीस रिक्वायर्ड है, एक एसएफजी को बनाने के लिए ये एक पीस रिक्वायर्ड है, ये तीन पीस रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से मैंने इसको डिफाइन कर दिया, मतलब कि जब ये एक एसएफजी आइटम बनेंगे तो दो पीस ये आरएम मटेरियल कंज्यूम करेगा, एक पीस ये आरएम मटेरियल कंज्यूम करेगा और तीन पीस ये आरएम मटेरियल कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे दे देंगे। अब जैसे ही इस आइटम का प्राइस पड़ा रहेगा तो देखिए यूनिट प्राइस ऑटोमेटिकली इस प्राइस लिस्ट से उठ के आ जाएगा, अगर नहीं पड़ा होगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए लास्ट परचेज प्राइस आप देखेंगे तो लास्ट परचेज प्राइस पे ये आइटम पड़ा हुआ है, ठीक है, प्राइस पड़ा हुआ है तो वहां से आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द बॉम्ब उठ के आ जाएगा। अब जैसे ही आप इसको अपडेट करें देखिए आपके सारे मटेरियल के प्राइस यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल हो गया कि 4 रुपीज का फर्स्ट आइटम है क्योंकि 2 रुपीज का एक था, तो 2 आइटम्स के कॉस्ट कितने हो जाएंगे, 4 रुपीज। 1 आइटम के कॉस्ट कितने हैं, 3 रुपीज, तो 3 रुपीज आ गए एंड 3, तो ये मल्टीप्लाई होके ऑटोमेटिकली ये टोटल एड करेंगे तो देखिये ये बॉम्ब कॉस्ट निकल के आ गया कि टोटल जो ए एस एफ सी आइटम है कितने रुपीज का बन रहा है, ये 19 रुपीज का बनेगा। अब इसमें क्या है, ओनली आपका आरएम जो कंज्यूम हो रहा है वो कंसीडर है, इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, जो आपका मैन पावर मशीन लग रहा है वो इसमें कंसीडर नहीं है, सिर्फ क्या है आपका कंजम्पशन दिखा रहा है कि कितना आरएम मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। तो एट द सेम टाइम आपका यहाँ पे बॉम्ब कॉस्ट निकल के आ जाएगा कि ये एस एफ जी कितने का बनेगा, 19 रुपीज का बनेगा, ठीक है। अब आप इसको जैसे ही, अब कोई कॉस्ट सेंटर अगर आपको मेंटेन करना है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन रूल में आके अगर आपने कॉस्ट सेंटर बना रखा है तो यहाँ से आके आप उसको सिलेक्ट करके मैप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बना रखा है, इसको आप सिलेक्ट कर दीजिए तो ये इस पार्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के अंदर चला जाएगा। ये प्रोडक्शन का पार्ट है तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन के नाम से कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं, तो बना हुआ था तो मैंने मैप कर दिया, आप अपने अनुसार या क्लाइंट के अनुसार देख के आप इसको मैप कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका जैसे ही एड करेंगे ये आपका एक बॉम्ब बन जाएगा, एसएफजी का बॉम्ब बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप एफजी का भी बॉम्ब बनाएंगे, सपोज दैट मैं एक एफजी ले लेता हूं, ठीक है, आप कोई एफजी आइटम है उसका भी बॉम्ब बनाता हूं और उसमें इस एसएफजी आइटम को, जो अभी हमने एसएफजी आइटम बनाया है उसको मैं इसका पार्ट बना दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये कंज्यूम होगा उसमें। तो मैंने सपोज ये मान लिया कि ये हमारा एफजी आइटम है, ठीक है, और इस एफजी आइटम को बनाने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड है, इससे पहले जो एसएफजी बनाया था बॉम्ब उसको देखते हैं तो को कैसे मिलेगा, तो हम जाएंगे बॉम्ब वाले स्क्रीन पे और चेक करेंगे ये कौन सा बॉम्ब हमने अभी बनाया है। तो ये देखिए अभी जो बनाया है हमने लास्ट रिकॉर्ड ये बॉम्ब बनाया है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे आए, ठीक है, और सबसे पहला आइटम मैं इसी एसएफजी आइटम को लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इस पार्टिकुलर एफजी को बनाने के लिए 1 एसएफजी रिक्वायर्ड है और मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि एसएफजी के साथ साथ कुछ आरएन भी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन, ये काम कौन करता है, ये करता है आरएनडी वाला, जो आपके कंपनी में आरएनडी वाले, तो वो डिफाइन करते हैं कि इस पार्टिकुलर आइटम को बनाने के लिए कौन कौन से आरएन रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो डिफाइन करेंगे, इस तरह से वो बॉम्ब बना के दे देंगे। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, एसएफजी हमारा क्या है, 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने दे दिया कि 2 है, इसमें दे दिया 1 है, इसको दे दिया 3 है, तो जितनी भी क्वांटिटी हमें एक एफजी को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है उसको हम यहाँ पे
डिफाइंड कर देंगे। अब यहाँ पे अभी आपने देखा था, हमने लास्ट परचेज प्राइस उठाया था तो आया था, लेकिन एसएफजी के केस में प्राइस नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने एसएफजी परचेज नहीं किया है, ठीक है, तो इसीलिए वो प्राइस लेकर। देखिए ये सब आइटम अभी तक इन स्टॉक नहीं आया होगा, इसीलिए इसका प्राइस, जो आइटम आपका स्टॉक में आया है उसके बेस पे ये प्राइस ला रहा है। तो ये प्राइस सही नहीं आ रहा है, तो इसको सही करने के लिए क्या करना होगा अपने को, इसका जब स्टॉक पड़ेगा, इसका जब आप स्टॉकिंग करेंगे या फिर प्रोडक्शन से, जब प्रोडक्शन होगा एसएफजी का और तब जो प्राइस आएगा वो प्राइस यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा जब आप रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्शन करेंगे। तो इसीलिए अभी इसके लिए टेंशन नहीं लेना, इसको आप एडिटिंग छोड़ दीजिए, ठीक है, और छोड़ के आप निकल आइए कहाँ पे, आप इसको बॉम्ब को कंप्लीट कीजिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका एफजी का बॉम्ब बन जाएगा, ये हमारा एफजी का बॉम्ब बन गया। अब जो बॉम्ब आप बनाएंगे, अब आपको एक और चीजें दिखाता हूं मैं आपको, रंजीत जी रिलेशनशिप मैप भी बता दो ना, एफजी आइटम में। मैं कुछ और सोच रहा था, अभी रूट स्टेज वगैरह ये बना, चलिए आपका इसमें क्या रिलेशनशिप मैप दिखाओ, अभी आप बोल रहे इसकी इसकी रिलेशनशिप मैप, तो वही है ना आइटम जो हमने वहां पे डिफाइन किया वही यहाँ पे। इस तरह से अपन देख सकते हैं कौन से एफजी के अंदर कितने मटेरियल कौन से लग रहा है, वही जो मैंने अभी आपको दिखाया था उस पे पीपीटी पे, वही चीज यहाँ हाँ। वो पैटर्न है, ये तीन आरएम इस पे कंज्यूम हो रहा है। अगर आप एफजी पे जाएंगे तो एफजी को देखेंगे तो उस तरह से ये एसएफजी है, अब आप एफजी का ये तो ये भी उसी तरह से दिखाएगा जैसे मैंने बनाया था।